92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहां था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहां आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई इश्क प्यार और मोहब्बत में जब आप अपने महबूब की सूरत ना देख पाएं क्योंकि बीच में चिलमन जो है यानी कि पर्दा जो है, तो ये जो चिलमन है ये दुश्मन होने का काम करती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी अपनी ही छोटी बड़ी गलतियां हमारी दुश्मन बन जाती हैं और कई बार जान पर बनाती है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हम प्रणाम स्वीकार करें जी। दीपक बात कर रहा हूँ 92.7 बिग एफएम पर, यह है दिल्ली मेरी जान और मेरे साथ एक बार फिर ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी सुरक्षा की, वो चाहे रोड सेफ्टी हो, फायर सेफ्टी हो या फिर हमारे सीनियर सिटीजंस की सुरक्षा का मुद्दा, इन सब पर हम बात करेंगे दिल्ली मेरी जान में। आज बात होगी दिल्ली में फायर सेफ्टी की। हमारे दिल्ली शहर में आग लगने की घटनाएं बिल्कुल आम है। हाल ही में 4 दिन के अंदर 2 बार हमारी संसद में ही आग लगने की घटनाएं सामने आई। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आग लगने की जो घटनाएं होती हैं उनमें से 70% शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। लेकिन देश की राजधानी में आग लगने की इतनी घटनाएं घटना अपने आप में एक शर्मनाक बात है। जब भी दिल्ली में फायर सेफ्टी की बात उठेगी तब सबसे पहले याद आएगा 13 जून 1997 का वो दिन, जिस दिन इस शहर में उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उपहार सिनेमा कांड सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश के सबसे बुरे अग्निकांड में से एक है, और उसी हादसे में नीलम कृष्णमूर्ति जी ने अपने 2 प्यारे मासूम बच्चों को खो दिया था। मैं नीलम कृष्णमूर्ति हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चे उपहार अग्निकांड में खोए थे, और आज इस घटना को पूरे 18 वर्ष हो गए हैं, और मैं पूरे 18 वर्ष से ये कोशिश कर रही हूँ कि जो फायर सेफ्टी का एक कल्चर है इस कल्चर को कुछ महत्वता देनी चाहिए, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं और जो कोर्ट्स हैं उनको भी इन मामले को बड़े संगीन रूप से लेना चाहिए। तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमारे लॉ मेकर्स जागें और एक फायर सेफ्टी को एक बहुत ही संगीनता से लेके इसका एक इशू बनाएं और इसको आगे ले जाएं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं नीलम कृष्णमूर्ति जी कि वक्त आ गया है कि अब फायर सेफ्टी को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया जाए। अभी 2 दिन पहले अगर संसद भवन में लगी आग की हम बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसके पास करीब 1 दशक से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तक नहीं है। कैसे हम अपने शहर को आग से सुरक्षित बना सकते हैं, यही मुद्दा है आज दिल्ली मेरी जान में। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए, 3992797 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ 92.7 बिग एफएम पर। डॉन फिल्म का ये गाना सुनाया आपको हमने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम और दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है दिल्ली में आग लगने की घटनाओं की। कुछ देर पहले हमने बात की नीलम कृष्णमूर्ति जी से, जिन्होंने 1997 में उपहार कांड में अपने बच्चों को खो दिया था, और पिछले 18 साल से नीलम कृष्णमूर्ति जी एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं फायर सेफ्टी के लिए। हालांकि एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि 1,70,00,000 लोगों के शहर में सिर्फ 2,058 फायर फाइटर्स हैं, और आम दिनों में दिल्ली फायर सर्विस को करीब 25 से 30 कॉल्स आती हैं आग लगने की घटनाओं को लेकर, और जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है वैसे वैसे इन घटनाओं में इजाफा होता चला जाता है। तो कैसे हम और आप खुद को आग लगने की ऐसी घटनाओं से बचा सकते हैं, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर श्री ए.के. शर्मा जी। शर्मा जी, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इतने कम फायर फाइटर्स और आग लगने की इतनी सारी घटनाएं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहर के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक फरमाया, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को सिर्फ फायर डिपार्टमेंट को ही नहीं फेस करना, हम सबको मिलकर फेस करना है। पहले हमारा काम शुरू होता है प्रिवेंशन, कैसे हम करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से जैसा प्रायः देखा गया काफी आग लग जाती है, वायरिंग प्रायः
या हम नहीं चेंज कराते हैं, हमारा लोड ज्यादा हो जाता है, इंसुलेशन जलना शुरू हो जाता है, प्रायः आग लग जाती है। कभी कभी हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगी। फ्यूजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रायः देखा गया प्रेस को ऑन छोड़ देते हैं, कपड़े में आग लग जाती है। सिलेंडर को कई बार हम सीधा नहीं रखते हैं, टेढ़ा रखते हैं, सोचते हैं गैस जो है वो ज्यादा निकलेगी इससे और वी एंड अप इनटू ए प्रॉब्लम। काफी सारे ऐसे कारण हैं जो डे इन डे आउट प्रोसेस में हम लोग रोकथाम इनकी कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम हमेशा सावधानी बरते। शर्मा जी, ये तो हो गई आग लगने की वजहें, लेकिन जब आग लग जाती है तब भी तो आप ये नोटिस करते होंगे ना कि बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं लोग जिनकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी परेशानी आती है। इंडस्ट्रीज में प्रायः देखा गया है या घरों में भी या ऑफिसेज में भी ये देखा गया है कि आप मींस ऑफ एग्जिट्स को ब्लॉक कर देते हैं, सीढ़ियों में सामान जो है वो भर देते हैं जब आप जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शंस का काम करती हैं। खिड़कियों में प्रायः देखा गया है इंडस्ट्रीज में जंगले लोहे के बड़े बड़े बार लगा देते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए, लेकिन क्या होता है कभी अग्नि दुर्घटना हो जाए तो आदमी उस खिड़की से कूद भी नहीं सकते, टेरेस पे आप ताला लगा देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सावधानी बरतनी चाहिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉक ड्रिल हमें जरूर करनी चाहिए ताकि जब भी हम ड्रिल करेंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ हमारी कमियां पता लगेंगी, फैमिलियराइजेशन होगा और उसमें सुधार होगा। शुक्रिया के शर्मा जी हमसे बात करने के लिए। वाकई मॉक ड्रिल्स बहुत जरूरी हैं और एक चीज बहुत जरूरी है कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता हो उसको फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिली है या नहीं ये जरूर चेक कीजिए, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 60% स्कूलों के पास फायर डिपार्टमेंट से एनओसी है। ऐसा क्यों है जानेंगे दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जिले सिंह लाखड़ा जी से बस कुछ ही देर में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर तो प्लीज हमें कॉल लगाएं, 3992797 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। लक्ष्मी प्यारे का संगीत, आशा ताई की आवाज, लोफर फिल्म का एक गाना सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम और दिल्ली मेरी जान में मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हुई दिल्ली की फायर सेफ्टी की। हमने दो मुद्दे उठाए, एक तो कि 1,70,00,000 की आबादी पर सिर्फ 2,058 फायर फाइटर्स हैं हमारे शहर में, और दूसरा मुद्दा यह है कि दिल्ली के सिर्फ 60% स्कूल्स को फायर डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी मिली हुई है। और इन्हीं दो अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग के डायरेक्टर जिले सिंह लाखड़ा। लाखड़ा जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो फायर फाइटर्स की कमी है, क्या यही एक बहुत बड़ी वजह है कि आग लगने की घटना के बाद बहुत देर लगती है फायर फाइटर्स को मौके पर पहुंचने में? देखिए, कोई भी जो बल होता है फायर सर्विसेज के पास, हमारी जो स्टेट वाइज है, अगर सिर्फ उन्हीं पे हम डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास में ये चीजें हैं कि जहाँ पर हम हैं, जिस ऑफिस में हम हैं, जिस बिल्डिंग में हम हैं, वो किसी भी प्रकार का है, होटल है, हॉस्पिटल है, हाई राइज है, उसमें हमें जो निर्देश फायर सर्विस द्वारा दिए जाते हैं उनको अगर हम पूरा करेंगे तभी हम कर सकते हैं। तो जिले सिंह जी, अगर कहीं आग लग जाए तो एक आम इंसान करे क्या? अगर कोई भी आग का हादसा जब शुरू होता है, अगर उसको हम शुरुआती क्षणों में अगर दबा लेते हैं, जैसे हम सिनेमा घर की बात करें या स्कूल की बात करें, वहाँ पर एक्सटिंग्यूशर, जिनको कि प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड एक्सटिंग्यूशर बोला जाता है, तो अगर हम उनको ऑपरेट करना जानते हैं और तुरंत कर लेंगे तो आग कभी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर पूरी तरह अपने पीक पर पहुंच गई है फिर तो उसको नुकसान करके, सारा चीजें ध्वस्त करके वो नीचे ही आए। जिले सिंह जी, एक और अहम सवाल है हमारे स्कूलों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। सिर्फ 60% स्कूलों को फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मिली है, ऐसा क्यों? फायर सर्विस एक्ट 2010 में, जो कि दिल्ली फायर सर्विस का रूल है, उसमें भी बड़ा क्लियरली बताया गया है कि आपको किन किन साधनों का वहाँ पर उपयोग करना है। जैसे आमतौर पर स्कूल से बाहर निकलने के रास्ते, उनकी चौड़ाई, जीनों की चौड़ाई, ये सब कैलकुलेट किया जाता है, इनको किया जाता है निर्धारित करके, इसी के ऊपर मानक बने हुए हैं। अगर हम उन मानकों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली फायर सर्विस भी नहीं उसमें एनओसी दे सकता है। ज्यादातर स्कूल है जो अनऑथराइज्ड एरिया में है, ये एक प्रॉब्लम है, तो कई तरह की मिली जुली प्रॉब्लम है। शुक्रिया जिले सिंह जी हमसे बात करने के लिए। मिली जुली प्रॉब्लम्स है लेकिन सॉल्यूशन आपके और हमारे हाथ में ही है, ऐसा मानना है एके शर्मा जी का भी और जिले सिंह जी का भी। आप और हम मिलकर कैसे अपने शहर को आग लगने की दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, कोई आइडिया है आपके पास तो हमें कॉल लगाइए। 3992797 हमारा नंबर। आप हैं दीपक और रुचान रुद के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
आप भी वादा कीजिए कि आप फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे, अपने घर में भी, ऑफिस में भी। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, हम प्रणाम स्वीकार करें, दीपक बात कर रहा हूँ और दिल्ली मेरी जान में 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है आपकी और हमारी सुरक्षा की, और आज हमने बात की फायर सेफ्टी की। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं बहुत आम है, फायर फाइटर्स की इस शहर में कमी है, लेकिन हम और आप कैसे खुद को और इस शहर को आग लगने की दुर्घटनाओं से बचा सकते हैं, इसी पर आज हमने बात की। और हमने आपसे कहा था अगर इस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। निखिल निगम, जैसे आपने बताया कि खाली 60% स्कूल्स हैं जिनके पास में फायर रेगुलेटरी की तरफ से NOCs हैं, तो जिस तरीके से हमारे रेगुलेशंस बने हैं कि पेट्रोल पंप पे हम लोग कोई भी फायर की कोई चीज नहीं कर सकते, या CNG गैस की पाइपलाइन हमारे घर में तब तक नहीं आएगी जब तक उसके पूरे रूल्स फॉलो नहीं होते, तो ये तो 40% है अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स। तो ऐसे रूल्स क्यों नहीं है कि वो जो स्कूल्स है अगर जब तक वो इसका कंप्लायंस नहीं करेंगे तब तक वो स्कूल बंद रहेंगे, दे कैन नॉट ऑपरेट। मैं चारू बोल रही हूँ, मैं भी फायर का काम करवाती थी, मेरे हस्बैंड भी करते थे। तो ये स्कूल वालों है ना, NOC जो ये जो फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, ये अपने ही आदमी लगा करके है ना NOC दिलवा देते हैं और कुछ उसका सर्विस वगैरह नहीं करवाते हैं, और ये लोग सिर्फ इसलिए हमें भी काम नहीं मिल पाता था तो हमने तो फिर छोड़ दिया था। और ये NOC जो मिलती है, ये फायर मिलती है जिसके कोई सिस्टम वगैरह उपकरण वगैरह कुछ भी चालू नहीं होते, बस खाली वो रिन्यू कर देते हैं, इसीलिए जो ये जब कभी आग लगती है तो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करते। गुड मॉर्निंग दीपक एंड रिया, दिस इज प्रमोद हियर। फायर सेफ्टी के लिए थोड़ी सी बात करनी थी, बिकॉज आई एम इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 21 ईयर्स। मैंने काफी जगह देखे हैं कि बिल्डिंग को सिर्फ NOC लेने के लिए लोग फायर का सिस्टम लगवाते हैं एंड वो भी पूरा नहीं लगाते हैं, एंड दे गेट द NOC, आई डोंट नो हाउ दे गेट, बट दे गेट द NOC। तो अगर इस तरह से चलेगा तो वी डोंट थिंक वी आर सेफ एंड द बिल्डिंग इज सेफ। वेरी ट्रू, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आपने प्रमोद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो उम्मीद है कि आज हमारे एक्सपर्ट्स ने दिल्ली मेरी जान में जो टिप्स दी हैं खुद को आग से सुरक्षित रखने के लिए, वो आप सबके काम जरूर आएंगे। कल दिल्ली मेरी जान में बात होगी हमारे शहर के सीनियर सिटीजंस की सिक्योरिटी की, लेकिन आज दिल्ली मेरी जान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, दीपक आपके साथ बने रहेंगे उन गानों के साथ जो हिट थे हिट रहेंगे। लेकिन फिलहाल तीसरी मंजिल फिल्म का गाना लगा दिया आपके लिए, आप इसका लुत्फ उठाइए, और जब मैं लौटूंगा ब्रेक के बाद तो बात होगी स्टॉक मार्केट की। गुड मॉर्निंग।